क्लास 9th का पहले चैप्टर का प्रश्न है, प्रश्नावली 1.6। ज्ञात कीजिए कि 64, क्वेश्चन नंबर 1, 64 के पावर 1/2 का वैल्यू कितना होगा। तो जानते हैं, इस क्वेश्चन को देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 का मतलब ऐसा फैक्टर 64 का करें, ऐसी संख्या दो संख्या में गुना करें कि 64 आ जाए। तो क्या हम लोग जानते हैं, 8 8 64। इस प्रकार इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, लिखिएगा ऐसे 64 अच्छी तरह से लिखिएगा, ऐसे कीजिएगा 64, ठीक, इसके ऊपर दीजिएगा, ये ना कि इसके नीचे दे दीजिएगा। 8 × 8 इक्वल टू, ऐसे कीजिएगा, ठीक है। फिर अब 8 × 8 कितना, 2 × 8 हो गया। उसके बाद 1/2 फिर लिखिएगा 8 × 1/2, ये 2 से 2 कट गया, इसका हो गया 8। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 8। अब हम आंसर कैसे मिलाएंगे, देखिए, ये रहा आंसर। प्रश्नावली 1.6, पहले का आंसर 1.8, ये हुआ पहला का आंसर 8। अब दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है 32, देखिए ये 32 है, तो 32 का ऐसा हम फैक्टर करें जो 5 से संबंधित हो। तो हम इसको लिखेंगे, हम ऐसे लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा, उसके बाद 32 ऐसे ही कर दीजिएगा पहली बार में ही 5, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा। अब 32 का फैक्टराइजेशन आप कैसे कीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा बगल में 16 8 4 2, कितना हुआ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। लेकिन ऐसे आप कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे करके 1/5, 2 के पावर 5, 1/5, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ पे लिखिए 2 के पावर 5 × 1/5, 5 से 5 कट गया, बराबर 2 आंसर हो गया। दूसरा का 2 आंसर, इस प्रकार प्रश्नावली दूसरे का कितना आंसर है, 2 आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 125, ये 125 है, देखिए इसको हल करते हैं। अब 125 का पहले हम फैक्टर करेंगे, तो 5 से हम भाग दिए, 50 25 50 25। अब यहाँ पे ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि 5 × 5 × 5, इसको करके 1/3, इस प्रकार 5 × 3 × 1/3, 5 आंसर हो गया। आइए मिलाते हैं इसके आंसर का,
पांच आंसर हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अब ये रहा, दो क्वेश्चन देखे, घबराइएगा मत। नौ है, नौ के और इसका पावर है 3/2, तो हम नौ का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। नौ दो से भाग नहीं लगेगा, तीन से भाग देंगे, 3 3 के 9। ठीक, तो हम लिखेंगे ऐसे, 3 × 3 ब्रैकेट 3/2। इस प्रकार होगा 3 के पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया। अब 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 3 3 के 9 और 9 3 के 27, आंसर 27 हुआ। चलिए ये रहा दूसरे का, पहला आंसर है 27, मिला लिए। आइए अब 32, फिर हम 32 का फैक्टर करेंगे। 2 16 8 4 2, तो हम इसको बनाने के लिए ऐसे करेंगे, 32 के पावर ये रहा, तो 2 के पावर 5 कर देंगे, ये 5 हुआ है, गुना 2/5, तो 5 से 5 काट देंगे। इस प्रकार 2 के पावर 2 मतलब हुआ 2 × 2 = 4। ठीक है, 4 आंसर अब हम देखेंगे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन का आंसर, 4। ठीक है, आइए अगला बनाते हैं। यहाँ पे रहा 16, तो 16 का हम करेंगे 2 से करेंगे, 8 4 2, 2 के पावर 4। लिखिए 16 3/4, 2 के पावर 4 × 3/4 कट गया। 2 के पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8, आंसर हो गया। आंसर हो गया, अब आइए मिलाइए, सही हो गया आंसर आप। ये रहा 8 आंसर। ओके, अब इसका अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं। माइनस प्लस देखे घबराइएगा मत, हम 125 का फैक्टर करेंगे। पाँच, 5 के पावर कितना हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 125 के पावर -1/3। 5 के पावर 3 × -1/3, 3 से 3 कट गया, कट गया ना, तो 5 के पावर -1, तो इसको -1 का मतलब है 1/5। ठीक है,
आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा, माइनस का मतलब इसको नीचे कर दीजिएगा, हो जाएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ये आगे नहीं बढ़ाए हैं, इतना ही आंसर करके रख दिए हैं। ठीक है, नहीं इतना भी आंसर दिया गया है, देखिए 1/5 भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल कीजिए, सरल मतलब होता है हल कीजिए। आप सरल मतलब ये मत समझिएगा कि सरा दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर आधार एक हो, ये दो आधार दोनों का आधार एक है, तो ऊपर वाला पावर जुड़ जाता है। तो लिखिएगा दो, 2/3 जोड़ 1/5। तो इसका 15 होगा है, तो ये 10 हुआ, और इसको 3 हुआ, 2/13 आंसर हो गया। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो गया, अब दूसरा देखते हैं। इस प्रकार वन बटा 3/3 7। तो देखिए 1/3 × 7 इज इक्वल टू 1/3 21। ठीक है, आंसर मिलाइए। यहाँ पे उतना ना देकर इतना दिया गया है, तो उसको देख के घबराइएगा मत, क्योंकि 1/3 है। तो हम 3/-21 कर देंगे, किसके जैसा, तो इसके जैसा, क्योंकि इसके क्षेत्र में हम लोगों ने 1/5 कर दिया था, ठीक इसके ओपोजिट है। इतना अच्छा है कि दोनों क्वेश्चन का समझ यहीं पे क्लियर हो जा रहा है आपको। ठीक है, समझिए। यहाँ पे इसका आधार एक है और क्रिया भाग में है, तो हम क्या करेंगे, गुना में करेंगे। देखिए 11/1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, और क्रिया क्या हो जाएगा, इसका पावर माइनस में हो जाएगा। दोनों का आधार एक है तो जोड़ेंगे 11, 1/2 जोड़ है तो माइनस में हो जाएगा 1/4। 11/4 ना 2/1 1/4 इज इक्वल टू 1/11 की पावर 4। आंसर मिलाइए, वही हुआ। नहीं समझ में आया, देखिए समझते हैं। 11 11, तो 11 वन में, यहाँ पे जगह का कमी है। ठीक है, 11 ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो
वन बाई फोर माइनस में होगा, तो हम करेंगे 11 वन बाई टू, चाहे वन इसको जोड़ दिए हम, तो वन बाई फोर होगा, यहाँ टू होगा माइनस वन होगा। 11 के पावर माइनस वन बट्टा फोर, तो ये नीचे प्लस में आ जाएगा, वन बाई 11 पावर वन बाई फोर, यही ना आंसर है। देखिए वन बटा सेवन और एट, दोनों का आधार इसके दोनों का पावर एक, तो क्या करेंगे हम, 7/56 पावर टू कर देंगे। देखते हैं इसके आंसर, देखिए आंसर हो गया इस प्रकार 1.6 प्रणाली प्रश्नावली खत्म हुआ।